बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पिरिट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में मज़ीद हम थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। 3.3 के लिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास 3.2 का एक क्वेश्चन रह गया वो हम कर लें। द एरिया ऑफ रूम कूलर इज 168 स्क्वेयर फीट इफ़ द लेंथ ऑफ इज 2 फीट मोर देन द ब्रेथ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। आपने लेंथ और ब्रेथ पता करनी है रूम की। उसने कहा जी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 फुट ज़्यादा है। अगर ब्रेथ जो है हमारे पास एक्स है तो लेंथ हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। एरिया फार्मूला जो है वो एरिया इक्वल होता है लेंथ इन टू ब्रेथ, यानी हमारे पास 168 इक्वल आ जाएगा एक्स इन टू एक्स प्लस टू के। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 168 इज इक्वल हो जाएगा एक्स के प्लस टू एक्स के। तो यहाँ पे आपके पास 168 इधर प्लस में उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 168 इज इक्वल हो गया 0 के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे हम फार्मूले से या फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है 14 × 12, दोनों में से एक्स कॉमन होगा शुरू में तो अंदर रह जाएगा एक्स प्लस 14, बाकी दोनों में से माइनस 12 कॉमन होगा तो अंदर एक्स प्लस 14 रह जाएगा, एक्स प्लस 14 दोनों में से कॉमन और रिमेनिंग एक्स माइनस 12 रह गया। एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 14 और 12 आ गई। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से एक्स की वैल्यू माइनस 14 हमारे पास जो है वो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ब्रेथ है वो हमारे पास 12 आ जाएगी और रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी 14। नेक्स्ट इसी तरह से एक्सट्रेनियस रूट्स की बात कर लेते हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इक्वेशन की इक्वालिटी डिस्टर्ब होती है, यानी इक्वेशन की इक्वालिटी इन इक्वालिटी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, तो वो किस तरह से होती हैं जी? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट फॉर्म द बिगनिंग एंड आर इक्वल। के जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है उसकी पहचान क्या है कि उसका कोफिशिएंट जो पहले वाला है सबसे पहले टर्म का और लास्ट टर्म का वो क्या होता है, सेम होता है। फिर इसी तरह से इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। तो जहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो सोल्यूशन आना है वेरिएबल एक्स के लिए वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केयर रूट एक्स ओवर 2 − x, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हमें गिवन है, प्लस 6 × √2 − x/x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर लेट कर लेंगे कि y किसके इक्वल है, स्केयर रूट एक्स ओवर 2 − x के, तो सेकंड फैक्टर उसका रेसिप्रोकल है तो यानी 1/y इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट 2 − x/x के। यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम इनके न्यू वेरिएबल्स लिख देंगे, y माइनस 6/1/y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो y² − 6 इज इक्वल आ जाएगा y के। इन दोनों साइड को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो इस वजह से हमारे पास y² − 6 इज इक्वल आ गया y के, y इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ तक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको सिंपलीफाई, इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है ताकि आप जो है वो इसके वैल्यूज फाइंड कर सके। y दोनों में से कॉमन हो जाएगा, रिमेनिंग y − 3 रह जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, रिमेनिंग y − 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे y + 2 और y − 3 दोनों इक्वल 0 के आ जाएंगे क्योंकि y − 3 दोनों में से कॉमन होता है। तो यहाँ पे y + 2 भी 0 के इक्वल, y − 3 भी 0 के इक्वल, y = −2, y = 3 आ जाएगा। एक्चुअल वेरिएबल हमारा x है, दोबारा से इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास √(x/2 − x) इक्वल आ गया −2 के, और √(x/2 − x) इक्वल आ गया 3 के। दोनों साइड दोनों का स्केयर करेंगे तो √(x/2 − x) का होल स्केयर इक्वल आ गया −2 का स्केयर, और √(x/2 − x) का स्केयर इक्वल आ गया 3 का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x/2 − x इक्वल आ गया 4 के, और x/2 − x इक्वल आ गया 9 के। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 4 × 2 − x के, यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 9 × 2 − x के, यहाँ से x इक्वल आ गया 8 − 4x, यहाँ से x इक्वल आ गया 18 − 9x। यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5x 8 के इक्वल आ गया, 10x 18 के इक्वल आ गया, यहाँ से x इक्वल आ गया 8/5 और x इक्वल आ गया 18/10 यानी 9/5। तो सॉल्यूशन साइड हमारे पास आ जाएगा 8/5 और 9/5।
तो नेक्स्ट इसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में सेम है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 1 + x प्लस 5 की पावर 1 - x = 10। यहाँ पे पावर ब्रेक करेंगे, 5 × 5x और 5 × 5 की पावर - x = 10 आ जाएगा। लेट कर लेंगे, यहाँ पर ये माइनस पावर है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे लेट कर लेंगे कि 5x किसके इक्वल है, y के, तो जहाँ पे 5x है वहाँ पे क्या कर देंगे, y पुट कर देंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो यहाँ पे आपके पास 5 + 1/y = आ जाएगा 2k। तो दोनों साइड्स को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, y² + 1 = आ गया 2y के, ये 2y इधर आके प्लस हो जाएगा, y² - 2y + 1 = आ गया 0k। इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, स्क्वेयर कंप्लीट हो रहा, स्क्वेयर कंप्लीट कर देंगे, मैंने स्क्वेयर कंप्लीट कर दिया, आपके पास 5 - 1 का स्क्वेयर = आ गया 0k, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो y - 1 किसके इक्वल हो जाएगा 0k, यानी y इक्वल हो गया +1k। अगर एक्चुअल वेरिएबल हमारे पास क्या था, 5x था, वो इधर पुट कर देंगे, 5x = आ जाएगा 1k, लेकिन 1 को हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1k। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, सॉल्यूशन साइड 0 हो जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों बेटे इसी तरह से ही हैं। तो इस मतलब ये भी दोनों सेम है, तो इन दोनों के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ थ्योरम उसने लगाने के लिए कहा है इस पे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ थ्योरम, और इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, a - b/a + b = आ जाएगा c - d/c + t के, यानी √(x-3) - √(x+3), ये सारे का सारा a हो जाएगा, और √(x-3) + √(x+3), ये सारे का सारा b हो जाएगा। तो हमने a - b/a + b किया, फिर इस तरह से 7 हमारे पास c हो जाएगा और 4 हमारे पास d हो जाएगा, तो 7 - 4/7 + 4 किया। यहाँ पे हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, कटिंग कर देंगे, तो जो वैल्यूज कटती हैं, जैसे यहाँ पे √(x-3) - √(x-3) से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर पे जो है वो √(x+3) - में और √(x+3) + में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, -2√(x+3)/(2√(x-3)= 3/11, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, और दोनों टर्म्स जो जो कि √(x+3) और √(x-3) दोनों सेम स्क्वेयर रूट में है, यानी सेम वेरिएबल पावर में है, तो इनको एक ही पावर में लिख सकते हैं, यानी √(x-3)/(x-3) टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x+3/(x-3) = आ जाएगा -3 का स्क्वेयर 9/121 के। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यहाँ से 121x+363 = आ गया 9x-27 के, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो 121x-9 112 हो जाएगा, -363 - 27 - 390 हो जाएगा, x = आ जाएगा 390/112 के, यानी x = आ गया -195/56 के, तो सोल्यूशन सेट आ गया -195/56। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.3 को मजीद कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह।